दुर्ग जिला पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 6 आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात, नकदी आदि को बरामद किया गया है। दुर्ग भिलाई में बढ़ रहे चोरी की घटनाओं के मद्देनजर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल, एसएसपी बीएन मीणा द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिस पर एक विशेष टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। अवधपुरी रिसाली के एक घर में ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों की चोरी की घटना के बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से पुलिस को श्याम नगर रिसाली गांव में कुछ लोगों द्वारा किराए से रहने की जानकारी मिली, जिनकी गतिविधियां भी संदिग्ध थी। पुलिस ने इन पर नजर रखकर पूछताछ की, जिस पर आरोपियों द्वारा 3-4 वर्षों से एक साथ मिलकर विभिन्न स्थानों में चोरी करने की घटना को स्वीकारा गया। पूरे मामले की जानकारी रेंज के आईजी ओपी पाल ने न्यूज टीम को दी है। दुर्ग पुलिस ने पुरानी चोरियों के मामले का खुलासा किया है। इसमें पिछले नवंबर से लेकर पिछले 3-4 सालों की करीब 41 चोरियां हैं, जिनका खुलासा हुआ है। 3 आरोपी जो चोरी किया करते थे और 3 अन्य जो चोरी के माल को खपाने में मदद करते थे, टोटल 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे और पूछताछ की जाएगी और इसके आधार पर संभावना है कि इनसे जुड़े हुए और भी कुछ लोगों का पता चले। इनके पास से 1 किलो 300 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 7 kg चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपया कैश इनके पास से बरामद किया गया। सर, कैसे चोरी करते थे, कैसे घटना को अंजाम देते थे? इनकी जो वारदात देने का इनका जो तरीका था, उसमें ये लोग पहले साइकिल से देखी करते थे और सुने मकानों का पता लगाते थे। ये काफ़ी शातिर लोग हैं। ये भी देखा करते थे कि किस घर के सामने अखबार इत्यादि कई दिनों से पड़ा हुआ है। इसके आधार पर ये संतुष्ट होने के बाद भी जो घर के लोग हैं काफ़ी दिनों से बाहर हैं, कि उन मकानों में चोरी किया करते थे, चोरी रात में करते थे। चोरी की वारदात करने के लिए और उस माल को खपाने तक की अवधि में ये लोग एक किराए के मकान में रहा करते थे, न कि अपने घरों में, और इसके लिए उन्होंने रिसाली में एक किराए का मकान ले रखा था। और मैंने बताया इसमें 41 मामले अभी तक इसमें खुलासा हुआ है, और जो मशूका है जो अभी तक गया है 41 मामले, उसका लगभग 40% तो हमारे सामने है, बाकी इनसे पूछताछ में और बरामदगी। टोटल बरामदगी 1 किलो 300 ग्राम सोना, बाजार मूल्य बाजार मूल्य जो भी ले लीजिए 50,000 रुपये, तो 10 ग्राम का लगभग 65 ग्राम के 65 लाख का सोना होगा। इसी तरीके 7 kg चांदी है, 5-1 लाख की वो भी होगी, और 1 लाख रुपया कैश है इनके पास, लगभग 70 लाख से ऊपर। बहरहाल आरोपियों की निशानदेही पर 77 लाख रुपए के सामानों को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों ने क्षेत्र में चोरी की अनेक घटनाओं को स्वीकारा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट।